अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज मैं अपना ब्लॉग यूनिवर्सिटी से स्टार्ट करूँगी। आज मैं आप लोगों को पूरा कंप्लीट टूर दूँगी। और मैं आपको ये बता दूँ कि ये ब्लॉग मैंने कल बनाया था, लेकिन पोस्ट आज मैं करूँगी, क्योंकि कल मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं पोस्ट नहीं कर पाई। तो जी, ये मेरी यूनिवर्सिटी एंटर हो रही थी। पहले तो हम चल के देखेंगे कि मैम आ गई हैं या नहीं, क्योंकि आज हमारा क्विज भी है और जी आज हमारी पिज़्ज़ा पार्टी भी है। उससे पहले पहले मैं आप लोगों को क्लासेस दिखाती हूँ जी। तो ये है जहाँ पे हमारी क्लासेस हैं, दो क्लासेस हैं। एक ये क्लास है हमारी, इधर मेरी क्लासेस नहीं होती हैं, दूसरे डिपार्टमेंट की होती हैं। तो जी मैम आ गई थी और क्विज़ भी हमारा हो चुका था। अब क्लास बिल्कुल खाली हो चुकी है, सब चले गए हैं, क्योंकि हमारी आज और कोई क्लास नहीं है। आज एक क्लास थी, उसमें क्विज़ भी था और लेक्चर भी। क्लास बिल्कुल खाली। और ये है जी मेरी क्लास जहाँ पर मेरी क्लासेस होती हैं। अब मैं बाहर जा रही थी क्योंकि अब हम लोग बिल्कुल फ्री थे। और मैं आप लोगों को कंप्लीट टूर दूंगी। ये देखें, यहाँ पर वॉशरूम्स थे फीमेल और मेल के। और बस अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा टूर देती हूँ कि यहाँ पे यूएई में यूनिवर्सिटी कैसे होती है। ये लेफ़्ट हैंड पे मेरे कैफ़े था। अगर स्टूडेंट्स की क्लासेस से फ्री हो जाते हैं जैसे हम लोग, तो हम इधर आकर बैठ जाते हैं और कॉफ़ी और कुछ खाना जो भी होता है हम यहाँ पर खा सकते हैं इज़िली, मतलब जो भी। और रीज़नेबल प्राइजेज़ हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा प्राइजेज हों। तो जी ये लिफ्ट से ऊपर जाएं तो और भी यूनिवर्सिटी के कैंपसेस हैं। और बट हमारा ग्राउंड फ्लोर पे है। और देखिए ऊपर से कितना प्यारा लग रहा है। देखिए जी बाहर कितनी तेज़ धूप है, लेकिन यूनिवर्सिटी में कुछ फील नहीं हो रहा क्योंकि सेंट्रल एसी लगे हुए हैं। बिल्कुल ही फील नहीं हो रहा था कि बाहर गर्मी है या कुछ। अब जी मैं वापस क्लास की तरफ जा रही थी क्योंकि कुछ देर में हमारी पार्टी स्टार्ट होने वाली है और मुझे क्लास में जाकर अपना बैग वगैरह उठाना था। मैं अपनी क्लास की तरफ जा रही थी, लेकिन मुझे ना रास्ते में ये कैंपस शो हुआ, दूसरी यूनिवर्सिटी का है। और मैं पहले कभी विज़िट नहीं किया, आज पहली दफ़ा कर रही हूँ। बहुत ही प्यारा है। यहाँ पर उन्होंने अपने स्टूडेंट्स के लिए ना ये लॉन्च बनाया हुआ है ताकि जब वो अपनी क्लासेस से फ्री हो जाए तो यहाँ पे गेम्स भी खेल सकते हैं। और इवन वहाँ पर टीवी भी था जो वो बैठ के टीवी भी देख सकते हैं। तो ये बहुत ही प्यारा है। ये जिनकी कुछ क्लासेस थी और ये कुछ आर्ट लगा हुआ था वॉल पे और बहुत ही प्यारा लग रहा था। एक्चुअली ये लोग इंटीरियर डिज़ाइनिंग और फैशन डिज़ाइनिंग करवाते। ये रही जी लाइब्रेरी। ये किसी ऐसा नहीं है कि एक यूनिवर्सिटी एक कैंपस के लिए, ये सब यूनिवर्सिटीज़ के लिए है। और यहाँ पर रूम्स थे जहाँ पे यू कैन सिट एंड रीड द बुक्स। एनीवेज हम लोग की जिस पिज़्ज़ा पार्टी स्टार्ट होने वाली है, ये कोल्ड ड्रिंक्स और पिज़्ज़ा आ चुके थे। और मैं पहले यहाँ पर इसलिए आई थी ताकि मैं इजली व्लॉग बना सकूँ। तो जी मैं बैग नहीं उठाया था, यहीं क्लास में रहने दिया था और पार्टी इंजॉय कर ली थी। और अब बस मुझे बैग उठाना है और बस बस की तरफ जाना और डायरेक्ट घर जाना है। आज का दिन काफ़ी अच्छा था, काफ़ी मज़ा भी आया है और बहुत इंजॉय किया है। पढ़ा भी है, क्विज भी अच्छा हो गया था, पार्टी भी अच्छी हो गई थी। बस अब हम घर की तरफ जा रहे हैं। मैं घर आई हूँ और आज के फ्राइडे है, अब वीकेंड स्टार्ट हो रहा है। तो मम्मा ने आज पुलाव बनाए नहीं है, मेरा मतलब बना रही हैं। तो बस ये खाना रेडी हो रहा है, मुझे तो इतनी भूख नहीं है। और जी ये मम्मा ने रायता और सलाद बना दिया था, अगर घर होती तो मैं बनाती। खैर तो ये रहा जी यखनी जो पुलाव के लिए बनाते हैं। ये यखनी तो तैयार हो चुकी है, बस अब ये बॉयल होगी तो इसमें हमने राइस डालना है। तो जी पानी बॉयल हो चुका है और अब इसमें ये मम्मा राइस डाल रही हैं और बस अभी पुलाव तैयार हो जाएगा। तो जी ये पुलाव रेडी हो चुका है। मैं पिज़्ज़ा खा के आई थी तो मैं तो फुल थी, लेकिन मैंने कहा थोड़े से तो खाने ही है क्योंकि राइस मुझे बहुत पसंद है। और आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करूँगी। उम्मीद है आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। लाइक कमेंट सब्सक्राइब और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। और कल मिलते हैं, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।